अमेरिका और रूस के संबंध जग जाहिर हैं। ऐसे में रूस ने अमेरिका के अपोलो 11 चांद मिशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस का कहना है कि वो इस बात की जांच करेगा कि क्या वाकई में अमेरिकी चांद पर गए थे। तो चलिए जानते हैं कि रूस अपोलो 11 मिशन के बारे में क्या दावा कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह, यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। 21 जुलाई 1969 का दिन ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खास था। दरअसल इस दिन अमेरिका के एरोनॉटिकल इंजीनियर और सेना के पायलट नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। साथ ही बज एल्ड्रिन ने भी उनके साथ चांद की धरती पर कदम रखा। इन दोनों के अलावा इस मिशन में माइकल कॉलिंस भी गए थे, लेकिन वो चांद की सतह पर ना उतरकर इसकी परिक्रमा कर रहे थे। इस मिशन को अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजने में सबसे बड़ा पड़ाव भी माना गया है। अमेरिका आज तक इस मिशन को लेकर दुनिया भर से वाहवाही बटोरता आ रहा है, लेकिन हाल ही में रूस ने इस मिशन से जुड़े तथ्यों की जाँच करने की बात कही है। रूस की रॉसकोस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने कहा है कि उनका देश चांद पर एक मिशन भेजने वाला है जो ये पता लगाएगा कि क्या वास्तव में अपोलो 11 चांद की सतह पर उतरा था या फिर ये केवल एक नाटक था जो अमेरिका ने रूस से बदला लेने और पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए रचा था। इसको लेकर दिमित्री रोगोजिन ने ट्वीट भी किया है। दरअसल अमेरिका का ये मिशन शुरू से ही सवालों से घिरा रहा है। इस मिशन को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रूस ने इस मिशन को झूठा साबित कर दिया तो क्या होगा? क्या अमेरिका दुनिया की नजरों में गिर जाएगा या फिर चांद को लेकर की गई उसकी सारी थ्योरी झूठी साबित होगी? चांद मिशन की शुरुआत कैसे हुई? रूस और अमेरिका के बीच अपने आप को ताकतवर साबित करने की होड़ लंबे समय से चली आ रही है। ये रेस न सिर्फ धरती तक सीमित है बल्कि अंतरिक्ष में भी अपना वर्चस्व जमाने तक है। अंतरिक्ष मिशन की बात करें तो रूस हमेशा से ही अमेरिका से आगे रहा है। रूस ने ही पहली बार यूरी गैगरीन के रूप में किसी मानव को अंतरिक्ष में भेजा था। उसने ही पहली बार धरती से बाहर जानवरों को भेजा। रूस के अंतरिक्ष मिशन इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष से लेकर पहली महिला तक रूस की ही थी। ऐसे में अमेरिका रूस से पिछड़ने लगा था, जिसके बाद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक मिशन तैयार किया जिसका नाम था अपोलो 11। इस मिशन का मकसद था अमेरिका भी अब चांद पर जाएगा, जिसके बाद अमेरिका ने चांद पर अपोलो 11 मिशन भेजा। कैसे होगी अपोलो मिशन की जांच? इस मिशन के बाद से दावा किया गया कि अमेरिका ने ये सब एक बड़े स्टूडियो में शूट किया था और जिस तस्वीर में अमेरिका का झंडा चांद की सतह पर लहरा रहा है वहां कोई वायुमंडल है ही नहीं। ऐसे में इसका लहराना नामुमकिन है। इसके अलावा नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि चांद पर ऐसा होना नामुमकिन है। दरअसल जिस यान से आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे उसका वजन करीब 4 टन था, लेकिन उसके वहां कोई निशान नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में आर्मस्ट्रांग के पांव के निशान अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं। बता दें कि इस मिशन के बाद कहा गया था कि नील आर्मस्ट्रांग अपने साथ वहां से चांद की धूल भी लेकर आए थे, तो ऐसे में इस नमूने का असली मिट्टी से मिलान करने पर भी कई राज सामने आ जाएंगे। मिशन से जुड़ी तस्वीरों पर उठे सवाल। इस मिशन से जुड़ी तस्वीरों में चांद से तारों का दिखाई ना देना भी बड़ा सवाल है। वहीं सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस ऐतिहासिक मिशन की मशीन के ब्लूप्रिंट्स आज तक किसी ने नहीं देखे। आर्मस्ट्रांग की तस्वीर खींचने वाले इंसान को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि नासा का कहना है कि तस्वीर दूसरे अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में लगे कैमरे से ली गई थी। एक सवाल ये भी है कि सूरज से निकलने वाला रेडिएशन किसी भी इंसान को मार सकता है, तो फिर नासा इन सभी को सुरक्षित कैसे लेकर आ गया? अब देखना ये है कि अमेरिका का ये मिशन सही साबित होता है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका ने जो मून लैंडिंग की थी वो फेक थी या रियल? हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।